हुगली नदी पर बना कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ब्रिज हावड़ा ब्रिज एक ऐसा अद्भुत ब्रिज है जिसमें ना तो कोई बीच में पिलर है और ना ही इसमें कोई नट बोल्ट लगा है। आखिर क्यों ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है और इस ब्रिज के नाम में भी रहस्य है। दरअसल इस ब्रिज का असल नाम तो कुछ और ही है लेकिन लोग इसे हावड़ा ब्रिज कहकर बुलाते हैं। कहा जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी भी है जो आज भी अंग्रेजों ने भारत को नहीं दी है। जी हाँ, हावड़ा ब्रिज को लेकर ऐसे कई किस्से और कहानियां फेमस हैं जिनके पीछे का सच खुद हावड़ा में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता। वैसे अगर आप इन कहानियों के पीछे का सच जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम हावड़ा ब्रिज से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको भी हैरान कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भारतवासी हैं और अगर आप गांव कस्बे में निवास करते हैं या आपने दादी नानी के मुंह से कहानियां सुनी हैं तो ये बात भी आपने कभी ना कभी सुनी होगी कि जब भी कोई बड़ा बांध या बड़ा ब्रिज बनता है या कोई तालाब खोदा जाता है तो मानव बलि मांगती है। कहावत है कि जब भी कुछ बड़ा बनता है तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यानी कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है जिसके बाद से ही तैयार की गई चीज मजबूती के साथ खड़ी रहती है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर भी यही बात कही जाती है। लोगों द्वारा ये कहानी प्रचलित है कि हावड़ा ब्रिज जैसे बड़े ब्रिज को तैयार करते समय कईयों की बलि दी गई थी। लेकिन हम आपको बता दें कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह भर है। किसी भी कंस्ट्रक्शन में काम को करने के बाद बलि देना महज एक किंवदंती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी देश की सरकार ऐसी गलत चीजों को कभी भी प्रमोट नहीं कर सकती। 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज वर्ल्ड वॉर का भी गवाह रहा है। इस ब्रिज ने जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी झेली है, वहीं इसने भारत को विकसित होते हुए भी देखा है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इतिहास को जानने के लिए हमें उस समय के इतिहास को खंगालना होगा जब उसे तैयार किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों इस ब्रिज को 12 बजे बंद कर दिया जाता है। दरअसल जिन इंजीनियरों ने इस ब्रिज को बनाकर तैयार किया उन्होंने उसे 12 बजे बंद करने की बात कही थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने साफ ये चेतावनी दी थी कि इस ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर देना वरना यह ब्रिज गिर जाएगा। लेकिन इस बात की किसी को खबर नहीं है कि इसे दिन के 12 बजे बंद करना या रात के 12 बजे। यही वजह है कि जब भी घड़ी में 12 बजता है तो हावड़ा ब्रिज को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। वहीं अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया कि हावड़ा ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि इसकी चाबी भी है जो अब तक अंग्रेजों ने भारत को लौटाया नहीं है। दरअसल उस चाबी को लेकर लोगों का कहना है कि उस चाबी की मदद से ब्रिज को खोला जा सकता है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि इस ब्रिज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब बड़े जहाजों को इस ब्रिज के नीचे से गुजरना हो तो इसे बीच से खोला जा सके और फिर जहाज के जाने के बाद इसे दोबारा बंद किया जा सके। यानी हम और आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इस ब्रिज को एक बेहद ही एडवांस तकनीक से तैयार किया था। वैसे चाबी वाली ये बात कितनी सच है इसका आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अगर इस ब्रिज के इतिहास को खंगाला जाए तो पता चलता है कि इसे साल 1942 में बनाकर तैयार किया गया था और इसे 3 फरवरी 1943 को जनता के लिए खोल दिया गया था। आपको जानकर गर्व होगा कि जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस समय यह ब्रिज पूरी दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। दोस्तों, अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि हावड़ा ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी आप बहुतों को नहीं पता होगा। दरअसल उस समय कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। लोग एक से दूसरी ओर आवागमन के लिए नावों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपए लागत से एक पीपे का पुल तैयार कराया गया। हालांकि साल 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बना तो इस पुल पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो इसलिए इस पुल को हटाकर यहाँ एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गई जिस वजह से फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद ब्रेथवेट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने का काम या यूं कहे टेंडर दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुल के नीचे आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि बिना पिलर के आखिर ये कैसे ये ब्रिज इतने सालों से पानी के नीचे खड़ा है। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है कि नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे ये दो खंभे जिसके ऊपर यह ब्रिज सालों से टिका हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे इन खंभों पर टिका हुआ है।
कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज को बनाते समय यह सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था कि ब्रिज चाहे जैसा भी बनकर तैयार हो लेकिन इसके नीचे पिलर नहीं होने चाहिए ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नावों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। यही वजह है कि पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज बस नदी के किनारे बने 280 फीट ऊंचे दो खंभों पर टिका हुआ है। दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इस ब्रिज को लेकर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस ब्रिज को बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नटबोल्ट का इस्तेमाल ना करके मेटल की बनी कीलो यानी कि रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े ब्रिज में एक भी नटबोल्ट का इस्तेमाल ना करना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैंटर लिवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। जिन्हें नहीं पता बता दें कि कैंटर लिवर ब्रिज का ही एक प्रकार है और हावड़ा ब्रिज कैंटिलीवर टाइप का ब्रिज है। उस समय हावड़ा ब्रिज को तैयार करने में लगने वाले 26,500 टन स्टील में से कुल 23,500 टन स्टील की सप्लाई खुद टाटा स्टील ने की थी। ऐसे में हम और आप कह सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज के निर्माण में टाटा स्टील कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप में से बहुतों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या आज भी हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से मजबूत है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि शायद नहीं, और इसके लिए हम इंसान खुद ही जिम्मेदार हैं। दरअसल बंगाल के लोग पान खाने के काफी शौकीन होते हैं। साल 2011 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिज पर पान व तंबाकू थूकने की वजह से यह ब्रिज धीरे धीरे खराब हो रहा है। जिन खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले कुछ सालों में आधी हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पायों के नीचे पायों को नीचे से फाइबर ग्लास से ढका गया है जिसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। वैसे आपको बता दें कि इंसानों के अलावा पक्षियों से भी इस ब्रिज को काफी खतरा पहुंच रहा है। दरअसल पक्षियों ने इस ब्रिज को अपना बसेरा बनाया हुआ है। यहाँ लगातार यहाँ पर ये गंदगी फैलाते हैं जिससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। ब्रिज को बचाने के लिए ब्रिज के ऊपर से पक्षियों की गंदगी को साफ करने के लिए सरकार हर साल 5 लाख रुपए खर्च करती है। वहीं ब्रिज को जंग से बचाने के लिए इसे समय समय पर पेंट भी किया जाता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने में 65 लाख रुपए का खर्च आता है। वैसे आप यह भी बात जानकर हैरान रह जाओगे कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका अब तक उद्घाटन नहीं किया गया है। जी हाँ, दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, चारों तरफ तबाही का मंजर था। इसलिए उस वक्त यह फैसला किया गया कि इस ब्रिज को बिना किसी उद्घाटन समारोह के ही चालू कर दिया जाए। उस समय ऐसा किया भी गया, इसे बिना उद्घाटन के ही लोगों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज न सिर्फ उस समय बल्कि आज भी पूरे भारत की शान है। वैसे आपको बता दें कि इस पुल पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय बमबारी भी की गई थी लेकिन इस ब्रिज को इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था और यह आज भी पूरे गर्व से हुगली नदी पर खड़ा है। अगर बात करें इस पुल के नाम की तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन लोगों के बीच आज भी यह हावड़ा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। दोस्तों, वैसे जाते जाते आपको ये बता दें कि हावड़ा ब्रिज को बनकर तैयार करने में कुल 2.2 मिलियन रुपयों की लागत आई थी। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1528 फीट है और इसकी चौड़ाई 62 फीट है। दोस्तों, यह ऐतिहासिक ब्रिज अपने आप में एक मिसाल है। दोस्तों, क्या आप कभी हावड़ा ब्रिज की सैर पर गए हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।